विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खासकर रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से राजनेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। इन चुनावों के लिए प्रचार आज उस समय चरम पर पहुंच गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए सुंदरनगर पहुंचे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री का यह प्रदेश का पहला चुनावी दौरा है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में राजनीतिक दलों की इन रैलियों पर। झूठी गारंटी देना ये कांग्रेस की पुरानी तरकीब रही है। आपको याद होगा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस किस तरह झूठ बोलती रही, इसका गवाह भी पूरा देश रहा है। कांग्रेस की सच्चाई ये है कि 2012 में जिस घोषणा पत्र पर वो चुनाव जीते, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, उसमें आप निकाल करके देख लीजिए 2012 में उनके जो वादे किए थे, जो उनके घोषणा पत्र में लिखा था, एक भी काम उन्होंने 2012 से 17 आपने उनको सर आंखों पर बिठाया, आपका एक भी काम उन्होंने किया नहीं, खोल करके देखा नहीं घोषणा पत्र उन्होंने। जबकि भाजपा की पहचान है कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात खपा देते हैं। भाइयों बहनों, दिन रात खपा देते हैं। भाजपा जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धि करके दिखाती है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया था ना, पूरा किया कि नहीं किया, पूरा किया कि नहीं किया। भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और वो निर्णय भी इसी हिमाचल की धरती में पालमपुर में भाजपा की वर्किंग कमेटी में निर्णय किया गया था। भाइयों, इसी देवभूमि में निर्णय किया गया था। आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे नहीं, जरा जोरों से बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वादा निभाया कि नहीं निभाया? वचन पूरा किया कि नहीं किया? साथियों, भाजपा के संकल्पों की सिद्धि का एक और उदाहरण, ये तो हमारी वीरों की भूमि है। हर परिवार फौजी परिवार है, हर घर हिंदुस्तान के सुरक्षा का किला है। अब देखिए, वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा उदाहरण है, वो कांग्रेस को जानने समझने के लिए काफी है। कांग्रेस 40 साल से देश के फौजियों को हर चुनाव में वादा करती थी। आपके हिमाचल के मेरे फौजी परिवार बराबर याद होगा, हर बार वादा करते थे वन रैंक वन पेंशन बता जाएगा, चुनाव जीता दो आ जाएगा चुनाव। कितनी सरकारें बनी, कितने ही